डॉक्टर साहब, ताई की तबीयत कैसी है? कार्तिक, जहर की हैवी डोज ली थी उन्होंने, बट फॉर्चुनेटली जहर ब्लड में नहीं फैला था। जहर सारा निकल गया है, नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि अभी भी वो मेंटली डिस्टर्ब है, किसी भी तरह का सदमा उन्हें फिर से डिप्रेशन में ले जा सकता है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ हर। जी डॉक्टर साहब, मैं उनका ख्याल रखूंगा। थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग। आपने उस अल्फी से हाथ मिलाया, इसलिए वो घर आया था ना? तेरे को बस सुरवी को खत्म करना है और उसके इल्जाम में ताई को फंसाना है। इंतजार का प्यार दुलार पटकर एक मिनट में मेरे बेटे ने सब खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दो ताई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती नहीं, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। मैंने आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। होता ही रे, अक्सर इंसान गुस्से में सही और गलत की पहचान ही भूल जाता है। मेरे को थोड़ा सा वक्त दे भाई, थोड़ी ठीक हो जाएगी तो अपना बच्चा लोग को लेकर चली जाएगी मैं इधर से हमेशा के लिए। नहीं ताई, अगर आप ही इस घर को छोड़ के चली जाओगी तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, घुट घुट कर मर जाऊंगा मैं। ताई प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। काय कर तो ये भेड़िया सारखा, काय को तू रुला था मेरे को इतना? चल ठीक है, भूल जाएगी मैं सब कुछ, एक नए सिरे से शुरुआत करती है तेरे साथ। ये तो अच्छा है कि लता के आने से पहले ये सारा कुछ हो गया। मैं तो तेरे को माफ कर ही रही है, वो तेरे को जिंदगी भर माफ नहीं करती मेरे साथ ऐसा करने के लिए। अभी एक बात तू सुन ले, समझा ना, इसके बाद तूने कभी भी मेरे पे शक किया ना तो ये घर क्या भाई दुनिया ही छोड़कर चली जाएगी। नहीं ताई, ताई आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। अगर कल को भगवान भी आके मुझे आपके बारे में गलत बोलेगा ना, मैं उन पे भी विश्वास नहीं करूंगा। ताई दुनिया मेरे वादे के खिलाफ जा सकती है, लेकिन मेरी ताई कभी नहीं। मुझे माफ कर दो ताई, I'm sorry। ताई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे को तुम लोगों का माफी वाफी नहीं चाहिए, मेरे को बस तुम लोगों का प्यार और विश्वास चाहिए। चला रे अभी तुम लोग जाओ इधर से, अरे मेरे को आराम करने का है, जा। जी ताई, आप अपना ख्याल रखो। अच्छा सुन, वो जाते जाते दरवाजा बंद कर देने कहा, मेरे को बहुत डिस्टर्ब होता है। जी ताई। दिगंबर भर में क्या परफॉर्मेंस, अवार्ड विनिंग एकदम। तू तो ताई,
नमस्कार ताई, जैसा आपने सोचा था वैसा ही बिल्कुल हुआ। अरे काय बोल तो, एकदम परफेक्ट काम हुआ है रे तेरा पाटिल। अरे ताई, उसमें तो अपनी स्पेशलिटी है ना, लेकिन ताई मानना पड़ेगा आपने भी क्या दिमाग चलाया। मंजे, जब जिंदगी रुकने को आती है ना तो दिमाग अपने आप चलने लगता है मेरा। तेरा पैसा पहुंच जाएगा तेरे घर पे कल। रखती है सुरभि, आज तेरी वजह से मेरे को जहर पीना पड़ा। तेरी वजह से मेरा खून बहा। अपने इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगी मैं तेरे से। ताई का वादा है तेरे को, ये दिवाली तेरी आखिरी रात होगी इस घर के अंदर। ऐसी जैसे मैं मुत्तुकोड़ी कवाड़ी अला, मुत्तुकोड़ी कवाड़ी अला, प्यार पे जो ना करना चाह वो तब करना पड़ा। रघु, रघु संभाल के। मैं तुझे अपने साथ लेके जाती हूँ, लेकिन काकी छोड़ो ना, लड़की का मैटर है, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तू चुप बैठ रघु, क्या बोल रहा है तू? लड़की अकेली है बेचारी, कहाँ जाएगी? इंसानियत के नाते हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा काकी, जल्दी बैठो, निकलते हैं हम इधर से। चल बेटा चल, आ जा। बोल क्या रहा है चीफ मिनिस्टर तेरे को? हाँ? नहीं तू उसी के साथ मैसेजिंग पर लगी है ना? क्या आता है तू भी सुबह सुबह? अरे नाश्ता काई को नहीं लगाया अब तक रे? ताई, आज नाश्ता कैसे बनेगा? लता काकी तो है ही नहीं। तो मैं ना चिवड़ा खा रही, अब खाओगे? लो खाओ। लता नहीं है तो क्या मैं उपवास पे रहेगी? ये तू बाहर से नहीं मंगवा सकती थी क्या होटल से? अगर देवा, ये तो मेरे इंटेलिजेंट दिमाग में आया ही नहीं। तो अब मैं तेरा ये इंटेलिजेंट दिमाग खाएगी। ताई वो काकी नहीं है, इसलिए आज मैंने नाश्ता बना दिया। एकदम बोले तो मेरी गुना चपोर है रे तू। हाँ सीख, इसको बोलते संस्कार। किसी को बोलना भी नहीं पड़ा इसको कि लता काकी नहीं है तो नाश्ते का क्या, अपने आप बनाकर इतना सब कुछ ले आई। अरे लेकिन सुरभि, तूने बहुत ज्यादा नाश्ता बनाया है। इतना कोई नाश्ता करता नहीं है इस घर में, और खाटे तो करता ही नहीं है। ताई, अब करता हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों टाइम पे। क्या बात कर रहा है, ऐसा कैसे सुधर गया तू? हाँ नहीं ताई,
दादा खुद नहीं सुधरे, सुरभि ने इन्हें सुधारा है, क्योंकि दादा ने सुरभि से वादा किया कि वो अपना खाना पीना सबका बहुत ख्याल रखेंगे। अच्छा है, अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। एकदम बराबर सुरभि, तूने एकदम अच्छा काम किया जो कार्तिक को ने बाद में फंसा दिया। अभी ना टाइम टू टाइम खाना खाएगा, ऐसे ख्याल रखते रहना इसका। हाँ हेमा जा रहे, वो बिंदु और अनिकेत को बुला कर ला। अपनी सुरभि ने इतने प्यार से सबके लिए नाश्ता बनाया है, सब साथ बैठ कर करेंगे ना। तू निकल इधर से निकल। हाँ मेरे लिए बचा के रखना, मैं आती हूँ। ये सुधरेगी नहीं। चलो तुम लोग तो बैठो, अपन खाना शुरू करते हैं। आ जाओ आ जाओ। ठीक है दाई, आज मैं सर्व करता हूँ। कार्तिक आप क्यों, मैं कर दूंगी, रहने दीजिए। अरे तुम सारा काम अकेले करोगी क्या? सबका घर है, सब मिलकर काम करेंगे। हा? किसी लड़की को देखा क्या दुल्हन की ड्रेस में? नहीं किसी को नहीं देखा। नहीं नहीं देखा। फिर ये गाड़ी यहाँ बीच रास्ते में क्यों खड़ी है? गाड़ी रुक गई है, रोकी नहीं है। निका मतलब है गाड़ी खराब हो गई थी, अभी ठीक हो गई तो वापस जा रहा है। ठीक हुआ? हाँ हाँ निकल चल आगे ढूंढते हैं। वो लोग चले गए बेटा, अब ऊपर आ जाओ। अब बोल बेटा कौन है तू? वो लोग कौन थे? वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? बोल ना बेटा। अरे अरे ए सुन रघु, ये तो बेहोश हो गई, इसको घर लेके जाते हैं। आह दीदी बहुत गर्मी है, चलो ना अंदर चलते हैं। नको मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्यों दीदी? अंदर वो सुरभि है, तो देखकर मेरा माथा गर्म हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे गला दबा दूं उसका। कंट्रोल दीदी, ताई ने हमें क्या कहा है? कि अभी सुरभि का पलटा भारी है, इसीलिए चुप रहो और उसको पसंद करने का नाटक करते रहो। अरे वही तो कर रही हो नी, कभी कभी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। भाग हमारे आ गए आप लोग। अरे क्या है ना कि हम बड़ा सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि आप लोग चले कहाँ गए। वो क्या है ना कि आप लोगों के बिना हमारा जी नहीं लगता है। भोलेनाथ की कसम हम आपको बहुत याद करते हैं बिंदु जी। क्या कहा तुमने? अरे हमारा कहने का मतलब कि हमें आप सबकी याद आ रही भाई। चल बहुत हुआ नाटक तेरा, चलो। कमाल करती हैं बिंदु जी, अब नाटक ही तो करने आए हैं। नाटक नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? लेकिन एक बात बता दें आपको, वो जो आपको याद करने वाली बात थी ना, वो तनिक भी झूठी नहीं थी। कहा है ना ये हमारे दिल में आपके लिए खास जगह है। हम आपको परेशान देखते हैं ना तो मन विचलित हो जाता है। अरे हेमा जी आप भी आई हैं।
अरे हमें तो लगा था कि आप वहीं मौसी जी के घर रुक गई, पर आपको यहाँ देखकर बड़ा अच्छा लगा। ये क्या नाटक है? कमाल करती हैं, दोनों बहनें एक ही प्रश्न पूछती हैं। अब नाटक करने आए तो नाटक ही करेंगे ना। वैसे एक बात कहें आपको, राजा, हम जब भी आपको देखते हैं ना मन विचलित हो जाता है। तुम सच कह रहे हो? भोलेनाथ की कसम। थैंक यू। तुम्हें पता है लाइफ में पहली बार कोई मुझसे ऐसे बात कर रहा है। सच्ची? वाह वाह, और मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा लफंगा देखा है जो एक ही वक्त में दो दो बहनों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, ताई को जानता नहीं है। पहले काट देगी और फिर सूखे बॉम्बिल की तरह तार पर लटका देगी। चल। ए, इसने तेरे साथ भी फ्लर्ट किया क्या? थैंक गॉड, तुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया। अच्छा सुन, इससे दूर रहना, ये एक नंबर का चालू चीज है। ए, चालू चीज, मुझे ना तुझसे कुछ बात नहीं करनी है। चल अभी अनिकेत, चल। जी। अरे हमें भी आपसे बात करने का कहां शौक है, हमें तो बिंदु जी से बात करनी है, उनके लिए तो हम बॉम्बिल भी बन जाएंगे। खैर हमें तो अपनी मंजिल पर पहुंचना है, सीढ़ी चाहे कोई भी। अरे ले जाएंगे प्यारे मोहन दुल्हनिया, ले जाएंगे। सुनिए तो, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। अरे हुआ क्या, किससे बचने की बात कर रहे हो तुम? कार्तिक बाबू, इन्हें कोई गलत फहमी हुई है। हमें लता काकी ने बोला कि कमरे में जाओ और देख कर आओ कि लड़की को होश आया कि नहीं। हम बेचारे चले गए और जैसे इनकी आंखें खुली इन्होंने हमको देखा, चिल्ला दी, हम डर गए। कहां पे हूं? ये कौन सी जगह है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन है रे तू? क्या पूछ रही है मैं तेरे को? कौन है तू? सुनने को नहीं आ रहा है, बहरी है क्या? हाँ? एक मिनट ताई, वो शायद डर गई है, मैं बात करती हूँ। ए बाड़ा, बोल ना, कौन है तू, कहाँ से आई है? देख, तुझे यहाँ किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। तू बता क्या है तेरा नाम? मेरा नाम विशाखा है। वो मेरे आई और पापा की माँ। ये भाई, ये भाई, तेरी अखी राम कहानी सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, अभी सीधा मुद्दे पर आ। क्या ऐसा दुल्हन का आउटफिट पहनकर तुम मंडप में नहीं रास्ते पे क्या कर रही थी? वो मेरी मामा और मामी मेरी शादी एक बुढ़े आदमी से करा रहे थे। आई बाबा नहीं है ना, इसलिए पैसों के लिए मुझे बेच रहे थे। पैसे के खातिर इंसान कितना गिर जाता है ना। रुको, मैं भी पुलिस को फोन करूं। नहीं नहीं, मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज पुलिस को फोन मत करिएगा। अरे काहे को, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आई और बाबा के बाद
मेरे मामा और मामी ने ही मुझे मुझे सहारा दिया, उनकी बहुत एहसान है मुझ पे। मैं उन्हें जेल नहीं भेज सकती, पर आप लोगों ने मेरे लिए जो भी कुछ किया, मैं हाथ जोड़कर आपका आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये पगली, क्या बात कर रही है तू? इंसान इंसान के काम आकर कोई एहसान नहीं करता है, वो तो उसका फर्ज होता है। एक बात बता, तुम्हारे आई बाबा नहीं है, तुम्हारे मामा मामी के पास तुम जा नहीं सकती, तो अब कहाँ जाओगी, क्या करोगी? तेरो क्या करने का है? तेरो क्या करने का है? अरे किधर भी जाए अपने को क्या लेना देना, ये पोरी तू तय कर ले तेरे को किधर जाने का है। क्योंकि इस घर में तो तू नहीं रहेगी।